कि मुझे आकर के यहाँ सारे व्यापारीजनों से मिलना है, लाभार्थियों से मिलना है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलना है, उस काम के लिए आज यहाँ आया हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम सब तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 8 साल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुनिया भर में देश के सामर्थ्य का डंका बजाया है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 370 खत्म हुआ है, कश्मीर पूरा भारत में मिला है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में अयोध्या जी में जन चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान आसीन हुए हैं उसमें। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में उत्तर पूर्व के सारे उल्फा और जैसे आतंकवादी संगठन सब थे वो सब खत्म हुए हैं और वहाँ पर विकास की गंगा बही है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आसपास के देशों के जिन्होंने भारत से लड़ने की कोशिश की वहाँ घुसकर मारा गया है। आपको ध्यान है 2014 के बाद से कोई बम प्रदेश के अंदर में नहीं फूटता है। ऐसे देश को सुरक्षा देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, प्रगति देने वाले, उन्नति देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। हम लोग जनता से आग्रह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम आज जनसंपर्क भी करेंगे ये कह करके कि ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े फैसले हुए हैं और मोदी जी ने यह भी कहा है कि आने वाले अगले क्रम में, अगले कार्यकाल में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। नहीं, MSP केंद्र की सरकार का निर्धारण होता है, वह 2250 रुपया धान के लिए निर्धारित है, समूचे राष्ट्र के लिए निर्धारित है। छत्तीसगढ़ के सरकार की अपनी योजना है कि हम धान का और अतिरिक्त मूल्य हमारे किसानों को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पुनः बनने वाली है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इस बीच में उड़ीसा में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो आपके सामने आएगा, जो जनता के कल्याण के लिए आवश्यक होगा, जो देश के कल्याण के लिए आवश्यक होगा वह किया जाएगा। जो आवश्यक होगा वह किया जाएगा, जो जनता के कल्याण के लिए आवश्यक होगा वो किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ रो उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी आज उमरकोट को आसी एवं आम संगठन रो सिस्टम जहाँकि जे विधायक हूँ मंत्री हूँ जे जे माने बड़ बड़ पद पदवीर अच्छा यशस्वी प्रधानमंत्री समस्त निर्देश अच्छी से मैंने सब जगह सब स्तर में जातु एवं विभिन्न वर्गर लोक समस्त को मिशंतु एवं समस्त मतामत निहंतु देशर हित सकाशे समस्त सहयोग जो आवश्यकता अच्छी समस्त परामर्शर जो आवश्यकता अच्छी से आज उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा जी आज आईरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समस्त आज उत्साहित अच्छा प्रथम आज व्यवसायी मान सहित बैठक ने व्यवसायी मानकर देशर देशर विकास जो सहयोग आवश्यकता अच्छी आर कौन ए मतामत अच्छी से मतामत भी कथा भी से आज शुणी एवं से मानक भी सहयोग आवश्यकता करिछंती। वर्तमान देशर परिस्थिति उपरे आमे कौन करिबा आवश्यकता अच्छी देशर विकास समस्त सहयोग आवश्यकता अच्छी ये कथा भी कहते तो सहित एवं जो लाभार्थी मानकर सम्मेलन हम तो लाभार्थी माने जो माने केंद्र सरकार योजन जो कि अंतर्दय कथा आम सरकार कहूँ आम यशस्वी प्रधानमंत्री समाज अंतिम दाड़ी में थिबा व्यक्तिर मुहरे केमती हस फुटिबो से सरकार सब सुविधा केमती से पाईपर ताकि पहुँचे से आज डायरेक्टली आज गोटे राज्यर उपमुख्यमंत्री आज लाभार्थी मान सहित से कथबार्ता हे लाभार्थी मानू से प्रकृत में केन्द्र योजना से मेरे प्राप्त हो नहीं पहुँचुची कि नहीं से विषय भी से जानवापी चाहिए। तत्सहित भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने आगामी निर्वाचन रे भी भारतीय जनता पार्टी जमी आमर जो विकास धारा अच्छी आम सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार
ये सब योजना विषय से कमी अवगत हे और लोकं अवगत कराइबे से आम कार्यकर्ता मान भी बैठक रखिंट आज आम देखिले से जमी आसिले समस्त को मिशंटे पाखे छोट जे भी रास्तार थे एमती आम जड़े उपमुख्यमंत्री एमती मिसाटा आम देखी नथिले किंतु एमती आसवापर से जमीक कि साधारण रु साधारण लोकों सहित भी हाथ मिसाई कथबार्ता होती तेणु आमे निश्चय एथिरे आमे खुशी अछु कार्यकर्ता भी उत्साहित अछंती एवं जदि एइभळी जदि नेतृवर्ग जदि भारतीय जनता पार्टी रो नेतृवर्ग होंतु कि मंत्री होंतु से जदि साधारण साधारण लोकों पाखरे पहुँचवा पाई तांकर कथा सुनबे तांको सहित मिसिबे तो निश्चय अंचल रो विकास सहित देश रो विकास रे समस्त सहायक हेबे। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।